हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल्स की जिसकी प्राइस होगी 15,000 के अंदर और हम देखेंगे इन मोबाइल्स की प्राइस, इसके लास्ट इसकी फुल स्पेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए पूरी मोबाइल बेस्ट। नंबर 1 पे आता है Asus Zenfone Max Pro M3। बात करें इसकी स्पेक्शन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 क्यू है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 720G है, डिस्प्ले इसमें 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इस USB कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 12,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Asus मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 अप्रैल 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Xiaomi Mi A4। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10 क्यू है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 720G है, डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4050 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 12,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 अप्रैल 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Oppo A15s। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 665 है, डिस्प्ले इसमें 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 10,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 10,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 अप्रैल 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Honor 20 Youth Edition। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रिन 710F है, डिस्प्ले इसमें 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अप्रैल 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Huawei Y7P। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रिन 710F है, डिस्प्ले इसमें 6.39 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 12,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 अप्रैल 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।